नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप सभी देख रहे हैं न्यूज 24 और आपके साथ मैं हूँ परमजीत कौर। कल रात दिल्ली से एक बड़ा मामला सामने आया। दिल्ली के रजौरी गार्डन में बर्गर किंग में 10 राउंड फायरिंग का मामला जो है सामने आ रहा है। ऐसे ही एक मामला पहले दिल्ली के तिलक नगर से सामने आया था, जहाँ फ्यूजन कार के शोरूम में फायरिंग हुई थी। ऐसे ही एक मामला जो है दिल्ली के रजौरी गार्डन के बर्गर किंग से कल रात को सामने आया है, जहाँ पे 10 राउंड फायरिंग हुई, जिसमें एक शख्स की मौत भी हो गई। रात तक जो है किसी भी तरह का कोई खुलासा इस मामले में नहीं हुआ था। व्यक्ति की पहचान अभी तक भी नहीं की गई है कि जो मृत व्यक्ति है वो आखिर कहाँ का रहने वाला है या उसके परिजन कौन है। वो तो जैसे लोगों से सुनी वैसे सुनी है। क्या सुना सर अभी तक की फायरिंग हुई है? बस यही सुना। अभी आपने पीछे भी सुना होगा तिलक नगर के फ्यूजन शोरूम में भी ऐसे ही मामला सामने आया। नहीं, वो हमें नहीं पता। नहीं पता तो सर, बर्गर किंग जैसा रेस्टोरेंट जहाँ पे हजारों लोग आते हैं दिन में, पब्लिक यहाँ पे आती है, खाती है, बैठती है, ऐसे में फायरिंग हो जाना, ये कितना सेफ है पब्लिक के लिए? एज अ पब्लिक आप क्या सोचते हैं कि इस तरह के मामले? तो मैडम कुछ भी नहीं है यहाँ पे। अगर सेफ में चलोगे तो ऐसे कितने रेस्टोरेंट है, कितने लोग आते हैं, आपस में लड़ पड़ेंगे तो क्या करोगे? लेकिन फायरिंग जैसे गन लेके साथ चलना ये तो कोई छोटी बात नहीं है। गन लेके साथ चलना छोटी बात नहीं है, लेकिन अब कोई छुपा के चला जाए, कुछ चला जाए, उसे क्या करोगे? तो इस चीज से बचने के लिए आपको क्या लगता है, कुछ ऐसे सुधार होने चाहिए कि रेस्टोरेंट में भी चेकिंग शुरू करनी चाहिए? तो बहुत चीजों के होने चाहिए, लेकिन सुधार नहीं हो सकते यार। या नहीं हो तो देखिए कि रेस्टोरेंट कुछ ऐसी जगह होती है जहाँ पे हजारों लोग आते हैं दिन में, कोई चेकिंग नहीं होती, लेकिन जब ऐसी जगह पे गन लेके लोग पहुंच जाते हैं तो आप इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि एक आम जनता के लिए कितना ज्यादा रिस्की है। अभी आपने सरदार जी की बात सुनी, इन्होंने भी सीधे तौर पर यही बताया कि रेस्टोरेंट में चेकिंग होनी चाहिए। तो ये ऐसा मामला है कि लोगों ने आतंकी मामले से जो है इसकी तुलना कर दी है। भैया कहाँ रहते हो आप? रजौरी गार्डन में रहते हो। यहाँ की खबर सुनी आपने? पता चला क्या पता चला सर आपको? ये पता चला रात में हुआ था, कोई घटना हुआ था। तो सर ऐसे मामले को किस तरह से देख रहे हैं आप कि एक रेस्टोरेंट में फायरिंग हो रही है, क्या ये जनता के लिए सेफ है? नहीं, सेफ तो नहीं है। सेफ तो है, डर की वाली बात है कि खुलेआम फायरिंग गन लेके घूम रहे हैं लोग। तो इस चीज में क्या सुधार होने चाहिए, क्या रेस्टोरेंट्स में चेकिंग शुरू करनी चाहिए? चेकिंग शुरू करनी चाहिए। तो देखिए आम जनता जो है इसी बात को बोलती कि यहाँ पे चेकिंग शुरू करनी चाहिए। इन भैया से पूछ लेते हैं। नमस्कार भैया, क्या नाम है? मेरा नाम शिव कुमार। यही पे आपकी दुकान लगती है? मैम मेरी दुकान तो सुबह 7 बजे लगती है, शाम को 5 बजे चले जाते हैं। शाम को 5 बजे आप चले जाते हैं। आपने कुछ ऐसा मामला या नहीं देखा? मैम उस समय तो हम रहे नहीं यहाँ, लेकिन सुना होगा आपने सुबह। हाँ, सुबह आके सुना। तो सर क्या ऐसे मामले पे आप क्या सोचते हैं? आपका भी ये ढाबा है या कैलो रेडी है, यहाँ पे लोग आते होंगे खाने पीने, क्या सुरक्षित है लोग कहीं भी? मैम हमारे पास इतना वक्त कहाँ होता, जो भी आते हैं खाते और चले जाते हैं हम। बस जैसे रेस्टोरेंट में हुआ, गन लेके घुस गए, सीधी फायरिंग शुरू कर दी, क्या ये जनता के लिए सेफ है? नहीं नहीं नहीं, तो बिल्कुल सेफ नहीं है। हाँ। जी तो इस चीज में कुछ सुधार होने चाहिए आपको? बिल्कुल सुधार होनी चाहिए। अगर आप मेरे पीछे इस वक्त देखें तो ये बर्गर किंग जो है पूरी तरह से अभी सील कर दिया गया है, पुलिस ने इसको बंद कर दिया है, लेकिन अंदर कुछ लोग मौजूद हैं, लेकिन उन लोगों से जो है बात करने की परमिशन अभी नहीं दी जा रही है। आसपास हमने जो है लोगों से जानने का प्रयास किया कि आखिर लोगों को कुछ पता हो कि किस तरह से यहाँ पे उस समय का माहौल था, लेकिन सीसीटीवी फुटेज में अगर आप साफ तौर पर देखेंगे, जो सीसीटीवी फुटेज सामने आ रहे हैं, अफरा तफरी का माहौल यहाँ पे बना हुआ था, क्योंकि बर्गर किंग आपको पता होगा काफ़ी जाने माने ये रेस्टोरेंट होते हैं, काफी चलते हैं ये, तो उस समय भी इसके अंदर भीड़ थी, काफी लोग मौजूद थे। जब फायरिंग शुरू हुई तो लोगों में अफरा तफरी मच गई, लोग यहाँ से वहां जो है वो भागने लगे। अगर आप देखें तो पुलिस बैरिकेडिंग कर गई है, अंदर जाने की परमिशन किसी को नहीं है। अभी तक ये पूरा मामला जो है पुलिस पूरा संज्ञान ले रही है। अगर आप आसपास देखें तो मेट्रो नियर पड़ता है, तो यहाँ पे सीसीटीवी कैमरे काफी ज्यादा लगे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों के मदद से ही जो है पुलिस इस मामले की गुत्थी को सुलझाने में लगी हुई है। लेकिन जो इसमें दो बड़े नाम सामने आ रहे हैं वो हिमांशु भाऊ और नवीन बालिका ही सामने आ रहा है।